हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एविकेट फैमिली में। तो आज जो अपनी क्लास है वो स्प्लाइन के बारे में। स्प्लाइन टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पर अपन को पता होना चाहिए स्प्लाइन क्या है, स्प्लाइन का कमांड क्या है, स्प्लाइन कहाँ यूज़ होता है। तो स्प्लाइन यूज़ कर्व्ड पोर्शंस में होता है, जैसे कि मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ पैनल जो है उसको क्लिक कीजिए। नीचे फर्स्ट दो पॉइंट्स में दे रखा है, एक में स्प्लाइन फिट और सेकंड में स्प्लाइन सीवी है। तो स्प्लाइन फिट जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करते हैं। कमांड एक्टिवेट हो चुके हैं, उसको अपन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट जहाँ जहाँ अपन को बनाना है उस पर जस्ट क्लिक करते हुए जाइएगा। ओके, और क्लोज यहाँ पे नीचे जाके क्लोज कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। अभी सेकंड जो पॉइंट है स्प्लाइन सीवी, अभी स्प्लाइन सीवी से अपन एक इमेज क्रिएट करते हैं। नीचे जाके क्लोज बटन दबाते हैं। ओके, अब जो है इन दोनों को अपन सेलेक्ट करते हैं। देखिए, स्प्लाइन फर्स्ट जो ऑप्शन था स्प्लाइन फिट, उससे जो बनाया हुआ है उसके लाइन के अंदर ही सारे पॉइंट्स हैं, और स्प्लाइन सीवी से जो बनाए ऑप्शन है सारे पॉइंट्स बाहर है। ठीक है, अब इसको स्ट्रेचिंग करके देखते हैं। इस पॉइंट को क्लिक कीजिए, और क्लिक करके छोड़ना नहीं है, ऊपर नीचे। अभी इन पॉइंट को देखिए, बाहर है सारे पॉइंट, बाहर अंदर है, लाइन में नहीं। लाइन में है तो भी वो अपन जूम करके देखेंगे तो लाइंस में नहीं है। ये देखिए बाहर है, वो अपन जूम आउट करके देख रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। तो यही है दोनों में फर्क स्प्लाइन का, स्प्लाइन सीवी और स्प्लाइन फिट में। स्प्लाइन फिट में जो लाइंस है उसी में सारे पॉइंट्स है, स्प्लाइन सीवी जो है उसमें अलग अलग है। तो स्प्लाइन का जो शॉर्ट कमांड है वो है SPL। कीबोर्ड पर SPL टाइप करिए, एंटर दबाइए, स्प्लाइन एक्टिवेट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, छोटा सा टॉपिक था पर सभी को पता रहना जरूरी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि सभी को मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। थैंक यू।